खबर गोड्डा और आसपास से है। व्यवसायी ने दिए 1,42,000 रुपये उधार, वापसी के बजाय मिली प्रताड़ना तो कर ली आत्महत्या। जिले के पतरगामा थाना क्षेत्र के घाट पतरगामा के युवा व्यवसायी मुकेश कुमार भगत उर्फ टुनटुन भगत ने उधारी की रकम नहीं मिलने पर फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली। बुधवार की सुबह मुकेश का शव उसके कमरे में पंखे से लटकता मिला तो घर में कोहराम मच गया। वह किराना दुकान चलाता था, साथ ही जार के पानी का भी कारोबार करता था। घटना स्थल से पुलिस ने एक सुसाइड नोट भी बरामद किया है। इसमें मुकेश ने आत्महत्या का कारण गोड्डा के पुष्पांजलि गली निवासी चंदन सिंह को बताया है। सुसाइड नोट में मुकेश ने लिखा है कि उसने चंदन सिंह को 1,42,000 रुपये का उधार दिए थे, लेकिन वह राशि नहीं लौटा रहा था। घर में आर्थिक तंगी थी, पैसा लौटाने के बजाय चंदन सिंह उसे प्रताड़ित किया करता था। 17 स्वास्थ्य केंद्र में एक भी महिला डॉक्टर नहीं। मेहरमा प्रखंड क्षेत्र के किसी भी स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सा का पदस्थापन नहीं किया गया है। यहां 17 स्वास्थ्य उपकेंद्र है। प्रखंड मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी महिला डॉक्टर नहीं है। इसमें यहां की महिलाओं को उपचार सहित जांच में भारी परेशानी होती है। जिले के 9 प्रखंडों में से 3 प्रखंड ही महिला चिकित्सक है, जिसमें से गोड्डा, पोड़ियाहाट एवं महागामा प्रखंड शामिल है। शेष बचे 6 प्रखंडों में एक भी महिला चिकित्सक का पदस्थापन नहीं किया गया है। बीते फरवरी माह में जिला प्रशासन की ओर से DMFT फंड से महिला चिकित्सक की बहाली के लिए विज्ञापन निकाले गए थे। इसके लिए माध्यम से इंटरव्यू के लिए महिला चिकित्सकों को आमंत्रित किया गया था, लेकिन एक भी महिला चिकित्सक यहां अपनी पोस्टिंग में रुचि नहीं दिखाई। बस परिचालन में पहले के दिन स्टैंड पर यात्रियों की कमी। 5 माह की लंबी प्रतीक्षा के बाद सरकार के निर्णय के आलोक में शहर के प्राइवेट बस स्टैंड से मंगलवार से बसों की आवाजाही शुरू हो गई। वहीं बस परिचालन के शुरू होने से बस संचालन से जुड़े कर्मियों में खुशी देखी गई, जो पिछले कई माह से घरों में बैठे थे। दूसरी ओर मंगलवार से यात्री बस सड़कों पर दौड़ने से आम लोगों को भी राहत मिली है। बस नहीं चलने से अधिक भाड़ा देकर रिजर्व कर उन्हें आना जाना पड़ता था। हालांकि परिचालन के पहले दिन बसों में यात्रियों का टोटा लगा रहा। कोरोना संक्रमण काल के बाद से शुरू हुए परिचालन को लेकर लोग भी सतर्क दिख रहे थे। जारी गाइडलाइन में शारीरिक दूरी का पालन भी बस में दिखा। यात्रियों को दुगुना चुकाना पड़ा किराया। मंगलवार को सुबह दुमका, देवघर, पाकुड़ के साथ ही बिहार के भागलपुर व बांका बॉर्डर तक बसें चली, यात्रियों को दुगुना किराया भी चुकाना पड़ा। वहीं पाकुड़ व दुमका व पीरपैंती सड़क के खराब रहने के कारण भी यात्री कम दिखे, साथ ही बसों ने एक ही फेरा लगाया और देर शाम से लेकर रात एक रांची, बोकारो, धनबाद के लिए चलने वाली लंबी दूरी की बसें भी यात्री के लिए थे। पैसे का रोना बंद करे सरकार, नहीं चलेगा कोरोना का बहाना, विधायक अमित मंडल। गोड्डा विधायक अमित मंडल ने सोमवार को सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से रांची में मुलाकात कर संथाल परगना की विभिन्न समस्याओं से उन्हें अवगत कराते हुए मांग पत्र सौंपा। विधायक मंडल ने कहा कि संथाल परगना की सड़क चलने लायक नहीं है, रह गई है। हाल के दिनों में जामा के पास सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत जर्जर सड़क की वजह से हुई है। वहीं रामगढ़ रोड व बाइक सवार पर ट्रक पलटने से चालक की मौत हो गई। भाजपा सरकार में हसडिया से महागामा भाया गोड्डा NH सड़क का टेंडर निकाला गया था। इसकी लागत 33 करोड़ रुपए थी। पैसे उपलब्ध होने के बावजूद सड़क की मरम्मत नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे पर विधानसभा में भी उठाया गया था, लेकिन सरकार के आश्वासन के बाद भी सड़क नहीं बन रही है। SOR के नाम पर कई पुरानी योजनाओं को लंबित रखा गया है, जिसमें बोलोरी से सरोतिलिया PW सड़क एवं गुडे चेरीचक का पुल शामिल है। इग्नू में नामांकन एवं पंजीकरण की तिथि 15 तक बढ़ी। गोड्डा कॉलेज की इग्नू अध्ययन केंद्र की ओर से मंगलवार को जारी अधिसूचना में नामांकन एवं पुनः पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक डॉक्टर विवेकानंद सिंह ने बताया कि इग्नू में जुलाई 2020 सत्र के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन नामांकन प्रारंभ है।
पूर्व में इसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त तक थी, जिसे बढ़ाकर 15 सितंबर तक कर दी गई है। नामांकन के लिए इच्छुक अभ्यर्थी इग्नू पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन नामांकन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि एससी एसटी के गैर नौकरी पेशा वाले अभ्यर्थियों को स्नातक स्तर तक एवं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सों में निःशुल्क ऑनलाइन नामांकन की सुविधा दी गई है। ऐसे छूट प्राप्त लोगों को ई लर्निंग मटेरियल भी निःशुल्क मिलेगा। वहीं इग्नू के जुलाई 2019 सत्र के प्रथम वर्ष के छात्र द्वितीय तृतीय वर्ष में पुनः पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन भी अब 15 सितंबर तक कर पाएंगे। कहा कि सत्रांश परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम 17 सितंबर से चालू रहेगी। जेएमएम ने मनाया बसंत सोरेन का जन्मदिवस। झामुमो युवा मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष वसंत सोरेन का जन्मदिन गोड्डा जिला युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंदन हेम्ब्रम के आवासीय कार्यालय परिसर में मनाया गया। मौके पर चंदन हेम्ब्रम ने केक काटकर मनाया। कार्यक्रम में झामुमो के केंद्रीय समिति सदस्य सह जिला परिषद सदस्य घनश्याम यादव, युवा मोर्चा संगठन सचिव सुरेंद्र हेम्ब्रम, संयुक्त सचिव युवा मोर्चा मदन महतो, कुंदन हेम्ब्रम, प्रवेश मरांडी, प्रीतम कुमार राउत, मृत्युंजय आदि उपस्थित थे। गोड्डा उपायुक्त ने सुनी 30 लोगों की समस्या। गोड्डा उपायुक्त भोर सिंह यादव के द्वारा मंगलवार को जनता की फरियाद को शारीरिक दूरी मेंटेन करते हुए सुना गया। इसमें जिले के दूर दराज के गांव से 30 लोगों ने आकर उपायुक्त को समस्या बताई। आवेदन दिया उपायुक्त ने सभी की समस्याओं को बारी बारी से सुना व संबंधित अधिकारियों की समस्या से निष्पादन हेतु संबंधित अधिकारी को आवश्यकता दिया। ज्ञात हो कि उपायुक्त अथवा अन्य वरीय पदाधिकारी के द्वारा प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जनता की समस्याओं को सुना जाता है। इसमें जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं। मंगलवार को राशन कार्ड, जमीन संबंधी विवाद, प्रधानमंत्री आवास, महिला प्रताड़ना, विधवा पेंशन, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि आवेदनों पर उपायुक्त ने संबंधित विभाग को जाँच कर उचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया। खबर देवघर से। देवघर में थानेदार बनकर आए अपराधी, लूट ले गए माल। सारट अंचल के पथरड्डा ओपी अंतर्गत समलापुर गांव निवासी एसी एससी संचालक इकरामुल अंसारी के घर मंगलवार की तड़क सुबह 2,81,000 का डाका डाल गया। बदमाशों ने खुद को थाना प्रभारी बताकर घर का दरवाजा खुलवाया। इसके बाद इकरामुल को हथियार दिखाकर अपने कब्जे में ले लिया। धमकी देने के साथ हाथ रस्सी से बांध दिए और सीएससी संचालक का रुपयों से भरा बैग लूट लिया। घर में घुसे चार बदमाशों में से एक के पास बंदूक और दो के पास तमचे थे। सभी ने चेहरे पर मास्क लगा रखा था। सभी मध्यम कद और रंग काला था। जो घर का सामान सर्च कर रहा था वह एक अपराधी को शब्बीर कहकर बुला रहा था। पीड़ित इकरामुल की उसकी लिखित शिकायत पथरड्डा ओपी से करने के बाद कही। पीड़िता का कहना है कि अपराधी सफेद रंग की गाड़ी से आए थे। उन लोगों ने घर में प्रवेश करने से पहले दरवाजा खटखटाकर अपने को थाना प्रभारी बताया। दरवाजा खोलने में देर करने पर धमकाने लगा। उनके पास हथियार होने के कारण हल्ला करने की हिम्मत नहीं हुई। दो ने ट्राउजर पहना था और दो पैंट पहने थे। देखने पर सबको पहचान लेने का दावा किया गया है। देवघर कॉलेज ने जारी किया न्यूनतम अंक। देवघर महाविद्यालय में इंटर में विज्ञान संकाय के गणित व जीव विज्ञान में नामांकन के लिए सूची जारी कर दी गई है और नामांकन शुरू है। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर बसंत कुमार गुप्ता ने बताया कि जीव विज्ञान में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 331 निर्धारित किया गया है। ओबीसी के लिए 300, एससी की 235 तथा एससीटी के लिए उन्होंने का नामांकन होगा। उन्होंने मैट्रिक परीक्षा में न्यूनतम 351 अंक हासिल किया है। गणित में सामान्य वर्ग के लिए न्यूनतम अंक 425 है। ओबीसी 300, एससी 357 तथा एसटी के लिए 280 अंक निर्धारित किया गया है। निर्धारित सीट पूरा नहीं होने पर अगली सूची जारी की जाएगी। हेमंत सरकार फेल, 8 महीने में एक भी योजना नहीं, पूर्व मंत्री। खबर है जामताड़ा से। चंदन क्यारी के विधायक अमर कुमार बावरी दुमका से बोकारो जाने के क्रम में कुछ देर जामताड़ा में रुके। भाजपा वरिष्ठ नेता सह नगर पंचायत पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र मंडल के आवास पर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर भाजपा संगठन को लेकर चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान हेमंत सरकार सिर्फ और सिर्फ केंद्र पर पूरी तरह निर्भर है। पिछले 8 महीनों से सरकार की खुद की एक भी योजना धरातल पर लागू नहीं किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जहां राज्य सरकार की ट्रेजरी 8 महीनों से बंद पड़ी है।
पूर्व मंत्री बावरी ने राज्य सरकार को विफल बताते हुए कहा कि जनता पूरी तरह से वर्तमान सरकार की नीति को समझ चुकी है एवं आने वाले दुमका उपचुनाव में सरकार को पटखनी देकर अपने साथ किए गए विश्वघात का बदला लेगी। मौके पर भाजपा वरिष्ठ नेता वीरेंद्र मंडल ने कहा कि इनके आने से जामताड़ा के कार्यकर्ताओं में नया हौसला एवं उमंग पैदा हुआ है। झारखंड में एक दिन में 1.60 लाख एंटीजन टेस्ट, राहत की बात, संक्रमण दर सिर्फ 1.6%। झारखंड में जांच की रफ्तार बढ़ा दी गई है, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। सोमवार को रैपिड एंटीजन टेस्ट से 1.60 लाख लोगों की जांच की गई, इनमें से 2580 लोग संक्रमित मिले। राहत की बात है कि संक्रमण दर सिर्फ 1.6 रहा। इसी बीच मंगलवार को राज्य में 2064 नए मरीज मिले, इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 43,524 हो गई है। 7 लोगों की मौत भी हुई, इनमें जमशेदपुर के 4 और धनबाद, गढ़वा व राज्य के एक एक व्यक्ति शामिल हैं। अब तक राज्य में 503 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को सबसे ज़्यादा 951 मरीज रांची में मिले। वहीं बोकारो में 203, चतरा में 15, देवघर में 31, धनबाद में 32, दुमका में 18, पूर्व सिंहभूम में 246, गढ़वा में 19, गिरिडीह में 155, गोड्डा में 5, गुमला में 25, हजारीबाग में 70, जामताड़ा में 22 और खूंटी में 39 मरीज मिले। इसी तरह कोडरमा में 10, लातेहार में 3, पाकुड़ में 10, पलामू में 31, रामगढ़ में 70, साहिबगंज में 13, सरायकेला में 48, सिमडेगा में 11 और पश्चिम सिंहभूम में 33 संक्रमित मिले। कुल 969 मरीज ठीक भी हुए, इनमें 60 रांची के हैं। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता कोरोना मुक्त हो गए हैं। मंगलवार को उन्हें रिम्स से छुट्टी दे दी गई। उन्होंने कहा कि अब वह भी प्लाज्मा दान करेंगे। वहीं कोरोना संक्रमित विधायक अंबा प्रसाद को मंगलवार को रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती किया। कुछ ही बसें चली, इनमें भी नहीं मिले यात्री। खबर है जामताड़ा से। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच मंगलवार से बस सेवा प्रारंभ हो गई है। इक्का दुक्का बस जामताड़ा बस स्टैंड पर रुकी। धनबाद से देवघर जा रही एक बस स्टैंड पर रुकी बस पर केवल 3 यात्री सवार थे। जामताड़ा में 5 अन्य यात्री भी सवार हुए। हालांकि जामताड़ा या मिहिजाम बस स्टैंड से कोई भी बस रवाना नहीं हुई। लंबी दूरी की 1-2 बस ही सड़क पर नजर आई। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के बीच बस संचालक के लिए सरकार की ओर से छूट के ऐलान के बाद गाड़ी मालिक बस चलाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। बस को सड़क पर लाने के लिए कम से कम 50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। यही नहीं, यात्री नहीं मिलने की आशंका तथा कोविड के नियमों के पालन करने में बस मालिकों के पसीने छूट रहे हैं। वहीं 6 माह से अधिक समय से बस नहीं चलने के कारण अधिकांश बस मालिक कर्जदार हो गए हैं। बस संचालक का कहना है कि ऐसे में आने वाली परिस्थितियों को देखकर वाहनों को बेचने का मन बना लिया है। इसके लिए ग्राहक तलाश रहे हैं। बसों की किस्त जमा करने पर अगस्त तक रोक थी, सितंबर से फिर किस्त देनी पड़ेगी। बस मालिक चिंतित हैं कि वह सितंबर से किस्त के रुपये कहां से लाएंगे। बस मालिकों का कहना है कि बसों को चलाने की कोशिश भी करेंगे तो एक बस को रोड पर चलाने के लिए पहले 50,000 रुपये तक खर्च करने पड़ेंगे। उन्होंने बताया कि आमतौर पर बसों का बीमा मार्च से अप्रैल के बीच में कराते हैं, इस कारण बसों को चलाने के लिए सबसे पहले बीमा कराना होगा। झारखंड को केंद्र से कोई मदद नहीं मिला, इरफान अंसारी। खबर है जामताड़ा से। विधायक इरफान अंसारी कसिया टाड़ पंचायत के कई गांव का दौरा कर लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। विधायक ने कहा कि प्रदेश की जो हालात है इसके जिम्मेदार केवल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अब तक उन्होंने जो भी निर्णय लिए हैं इसमें आम जनता को ही खामियाजा भुगतना पड़ा है। बिना कुछ सोचे समझे कोविड-19 का भय दिखाकर पूरे देश में लॉकडाउन कर दिया, परंतु लॉकडाउन के कारण देश की हालात कैसी होगी इस पर कभी विचार नहीं किया। कारणवश इसके फैसले से हजारों हजार लोगों की जान अन्य कारणों से चली गई और लोग भूख से मर गए। 48% माता पिता बोले सिलेबस आधा हो। 31.7% अभिभावकों ने कहा वैक्सीन आने पर ही खुले स्कूल। स्कूल खोलने और पाठ्यक्रम को लेकर 31.7% अभिभावकों ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती स्कूल न खोले जाएं। 88% अभिभावकों की राय है कि मैट्रिक
इंटर का पाठ्यक्रम छोटा किया जाए, जबकि 48% अभिभावकों का कहना है कि बच्चों पर पढ़ाई का दबाव न पड़े, इसलिए सिलेबस 50% छोटा कर दिया जाए। मात्र 25% ने ही कहा कि सितंबर में स्कूल खोल दिए जाएं। ये बातें कोरोना संक्रमण के इस दौर में राज्य सरकार द्वारा किए गए सर्वे में उभर कर सामने आई है। 31 अगस्त की रात 12 बजे तक लोगों ने अपनी राय दी है। 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के 12,320 अभिभावकों ने इस राय शुमारी में हिस्सा लिया। इनमें सरकारी स्कूलों के 5,204, केंद्रीय स्कूल के 933, सरकारी अनुदानित स्कूलों के 656, निजी स्कूलों में 5,527 छात्रों के अभिभावक शामिल हुए। मैट्रिक के 8,363 और इंटर के 3,957 छात्रों के अभिभावक हैं। सर्वे में अभिभावकों के नाम, मोबाइल नंबर, जिले का नाम, ईमेल, बच्चे की कक्षा, स्कूल का नाम और स्थान भी भरना था। पिछले बार हुए सर्वे में 72,000 अभिभावकों ने राय दी थी। इसमें पहली कक्षा से लेकर इंटरमीडिएट के अभिभावकों ने हिस्सा लिया था। खबर है साहेबगंज के तलझारी से। स्वयंसेवकों को 3 साल से नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। तलझारी प्रखंड के पंचायत में कार्यरत स्वयंसेवकों ने मंगलवार को वीडियो का आवेदन दिया है। इनमें से प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने का आग्रह किया है। आवेदन में शशि कुमार सिन्हा, नवीन कुमार शाह, सुभाष कुमार, रविंद्र कुमार, भरत कुमार शाह, प्रियंका देवी, सुजन मुर्मू सहित अन्य ने जिक्र किया है कि उन लोगों को वित्तीय 2016-17 में ही प्रोत्साहन राशि दी गई थी। इसके बाद अब तक प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीब लोगों के पक्का मकान निर्माण कार्य को पूरा करने में उनकी अहम भूमिका होती है। आवास निर्माण कार्य पूर्ण होने के बाद प्रति आवास 500 रुपया प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन पिछले 3 वर्ष से नहीं मिली है। प्रत्येक दिन 1 करोड़ से अधिक का कारोबार। खबर बताया जा रहा है कि साहेबगंज से है। सूबे में लॉटरी के खेल पर पूर्ण प्रतिबंध है, लेकिन साहेबगंज, पाकुड़ सहित संथाल परगना के सभी जिलों में धड़ल्ले से यह चल रहा है। इनमें से साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा और दुमका जिले के सीमा पश्चिम बंगाल से सटी हुई, इसलिए यहां टिकटों को लेना आसान है। इन सीमावर्ती जिलों के रास्ते देवघर और गोड्डा भी लॉटरी का टिकट पहुँचा जाता है। सीमावर्ती जिलों में तो काउंटर सजा कर टिकटों की बिक्री की जाती है, अन्य जिलों में यह चोरी छिपे चलता है। खबर है तलझारी से। आवास योजना में अवैध वसूली पर होगी कार्रवाई। तलझारी प्रखंड सभागार कक्ष में मंगलवार को वीडियो साइमन मरांडी की अध्यक्षता में मुखिया जनसेवक एवं पंचायत सेवक की बैठक हुई। वीडियो ने पंचायतवार सीएम आवास योजना, मनरेगा, विधवा पेंशन व वृद्धा पेंशन की समीक्षा की। वीडियो ने कई पंचायत से सीएम आवास योजना के नाम पर लाभुकों से अवैध वसूली करने की शिकायत पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि किसी भी लाभुक से अवैध वसूली की शिकायत मिलती है तो जांच के बाद ऐसे जनसेवक या अन्य दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने को कहा है ताकि समय पर कार्य पूर्ण हो सके। खबर पाकुड़ से। लक्ष्य हासिल नहीं करने वाले पंचायत सचिव को फटकार। सदर प्रखंड सभागार में मंगलवार को प्रखंड विकास पदाधिकारी शफीक आलम की अध्यक्षता में बैठक हुई। इनमें प्रधानमंत्री आवास के रजिस्ट्रेशन व लाभुकों के अभिलेख जांच, लंबित पीएम आवास के भौतिक सत्यापन की सूची, मनरेगा में मजदूरों को रोजगार की डिमांड सहित विकास योजना की पंचायतवार समीक्षा की गई। इस दौरान वीडियो ने लक्ष्य अनुरूप कार्य नहीं करने वाले गंधाईपुर, चंगाडांगा, नसीपुर, मालपहाड़ी, कुमार पंचायत के पंचायत सचिवों को फटकार लगाते हुए कार्यशैली में सुधार लाने के लिए कहा गया है। फ्रीडम रन में युवतियां ने लगाई दौड़। खबर बताया जा रहा है कि पाकुड़ से है। फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम रन मंगलवार को चौथे दिन जारी रहा। 10 दिवसीय फ्रीडम रन के चौथे दिन युवतियां ने स्थानीय आरएज स्टेडियम में दौड़ लगाई। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए युवतियां ने अपने घरों एवं घरों के आसपास दौड़ लगाकर फ्रीडम रन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में भाग लेकर युवतियां ने भी हौसला बुलंद किया। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।